أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम हमारे लिए बेहद आसानी फरमाए सब मामलात में और हमें कुरान मजीद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता करे। कुरान मजीद को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं हमने आगाज में भी डिस्कशन की, बाद में भी की। कुरान का सुनना, तिलावत कुरान, कुरान का समझना, तालीमुल कुरान, उसे याद करना, इल्म का इस्तेहजार, इल्म को संभालना, उसे जिंदगी में शामिल करना और उसे आगे फैलाना, ये सब मराहिल है। तो जिंदगी में शामिल करना अपने आप को कुरान के मुताबिक संवारना तज़किया कहलाता है। और कुरान को अपनी जिंदगी के मुआमलात के साथ मिलाते हुए जो अल्लाह हमें रोशनी दिखाते हैं, एनलाइटन करते हैं हमें अंदर से, उसे ही हिकमा कहा जाता है। तो कुरान और हदीस की तालीम के ये मराहिल हैं। इन मराहिल के लिए जरूरी है कि हम कुरान की तालीम को संजीदगी से लें, जो कुछ हम पढ़ें उसको तवज्जो से पढ़ें, गौर व फिक्र करें और याद भी करें। तो याद करने वाला पहलू जो है ना, वो थोड़ा कमजोर है आपका। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लिसनर हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, जो लिसनर नहीं है, जो सुनाते हैं, सुनाना चाहते हैं, उनकी जो काविश है उसे बहुत रेगुलर हो जाना चाहिए। कुछ तो बहुत रेगुलर हैं, आयशा इमरान है, ईशा इकबाल है, शुबाना आसिफ साहिबा है, आयशा खिजर पहले भेजती थी अब नहीं भेज रही। तो असल में चेक ना होने की वजह से ऐसा होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा सुनने का सिस्टम आपका रीऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। जुम्मतुल मुबारक के दिन या हफ्ते के दिन इंशाल्लाह मैं एक दिन डिसाइड कर दूंगी, हो सकता है जुमेरात का कर ले। हम लोग पढ़ते हैं जुम्मा और हफ्ता 2 दिन, तो उसके बाद आपके पास पूरे 5 दिन होते हैं सबक याद करने के लिए। तो मे बी हफ्ते का दिन रखूं मैं, मे बी जुमेरात का दिन रखूं। जुम्मतुल मुबारक थोड़ा मसरूफ हो जाता है। तो मैं आपके लिए एक टीचर अपॉइंट करूंगी जो आपका सबक तर्जुमे के साथ सुनेंगे। जूम पर हम नहीं रखेंगे ताकि आप लोग बाउंड ना हो। हम टाइम मखसूस कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 4 to 5, और उस दौरान में व्हाट्सएप पर आपको कॉल करेंगे टीचर और आपसे सबक सुनेंगे ताकि आप लोग रेगुलर सबक सुनाएं। और अगर कोई एब्सेंट होगा तो बताएगा वो क्यों एब्सेंट, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज इससे आपके याद करने में बाकायदगी आएगी और आपका इल्म जो है वो रासिख होगा, क्योंकि अगर याद नहीं ना करेंगे तो बाद में पता है क्या बनेगा मामला। और ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी नजरों में आपसे पहले कि जिन्होंने पढ़ा, याद कुछ नहीं किया, संभाला कुछ नहीं, जब कुरान खत्म हुआ तो 0/0। पता है क्या, आपको खुद तो कुछ ना कुछ पता चल जाता है, कुछ याद भी रह जाता है, मगर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। और चूंकि आप खुद श्योर नहीं होते तो वो मामला जो सही भी होते हैं और आप उनमें आपको पता होता है मैं सही हूँ, आप किसी को कह नहीं पाते। आप कहते पता नहीं यूँ सुना था मैंने या वो सुना था मैंने। तो जब आप तर्जुमा पुख्ता करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद बातें भी याद हो जाएंगी। फिर आप आयत बयान कर देंगे कि भाई फुला आयत मैंने पढ़ी है, मुझे आयत की अरबी नहीं आती, तर्जुमा आता है फुलां सूरह की फुलां आयत है उसमें ये बात कही गई, तो बात खत्म होगी। तो लिहाजा ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह इसी वीक से होगा, बस दिन में आपको बता दूंगी किसका माइक ऑन है। मुझे एक्चुअली किसी की भी आवाज नहीं आ रही इस टाइम, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो वो म्यूट कर ले। मुझे इस वक्त वैसे आवाज नहीं आ रही। तो अब बात ये है कि खैर से ये एक सिलसिला जो है, इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है हम ये शुरू करेंगे और इसके लिए हम आपके लिए टीचर जो है वो अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो आप सबके नाम जो है मैं एक लिस्ट बनाकर इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूंगी। अगर किसी का नाम जो सुनाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने आगाज में पूछा था कि कौन लिस्टर रहना चाहता है और कौन स्टूडेंट, तो उस वक्त हमें नाम भेजे गए थे, तो एक लिस्ट है हमारे पास। हम उस लिस्ट की कॉपी जो है वो शेयर कर देंगे कल या मैक्सिमम परसों तक। तो अब कई लोग तो ऐसे हैं जो क्लास ले भी नहीं रहे किसी ना किसी रीजन से। बहरहाल जो मौजूद हैं, अगर उनमें से किसी का नाम मौजूद ना हो तो काइंडली वो बता सकते हैं। टेस्ट आपका इस मरतबा थोड़ा सा लेट हो गया है पहले पारे का। दरअसल उसकी रीजन ये थी कि मेरे घर में सबको कोरोना हो गया था और हम सब बीमार थे एट द सेम टाइम, तो आपको पता है फिर उसमें जरा मसरूफियत बढ़ जाती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, पहले मैंने आपसे शेयर नहीं किया तो इस वजह से फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एक तो मैं बीमार भी थी और दूसरा बीमारी से ज्यादा जिस चीज ने बाउंड किए रखा वो ये था कि सब बीमार थे, बच्चे बड़े, मेरे मियाँ, अल्लाह सबको सेहत और जिंदगी अता फरमाए सब घरों में। तो वो बेवक्त वक्त जब सब बीमार थे तो वो फिर जाहिरी बात है कि हम दो खवातीन ही है घर में तो वर्कलोड और तरह से हो गया था। इस वजह से मैं आपका टेस्ट आपसे शेयर ही नहीं कर पाई, तो वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आपसे इतवार या पीर को कर दूंगी। बन गया है और बस फिर मैं उसको आपके साथ कर दूंगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा उसका काम बाकी था, फिर मेरी क्लास शुरू हो गई तो मैं आपके साथ आ गई यहाँ पर। तो उसको वो मे बी कि मैं कल ही कर दूं, तो फर्स्ट पारे का जो टेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप जो है उसको अपनी इत्मीनान और तसल्ली के साथ करके मुझे नेक्स्ट फ्राइडे से पहले भेज दीजिएगा। ये नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास से पहले आप मुझे रात तक भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। और पेपर देखने से पहले आप जब तक चाहे पढ़ लें। वो जैसे होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में भी, जब तक पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं ना हो जाता तो बैठ के बच्चे पढ़ते रहते, तो फील फ्री आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप पेपर को पकड़ लें, खोल लें, तो ये आप पर है, आपने ईमानदारी से करना है, क्योंकि इन्ना अल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इंशाल्लाह मुझे पता है आप सब बहुत अच्छा पेपर करेंगे। और जी ये जो सुनाने वाली क्लास है ये बहुत छोटी सी होगी, क्योंकि हर किसी को पर्सनल कॉल की जाएगी व्हाट्सएप पर, तो इससे आपको नफा बहुत होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बात और चले मैं साथ ऐड कर दूं, कहती चलूं, औरों को भी दावत दीजिए, बुलाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के मरते ही उसके सब आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय सदकात जारिया के, और सदका जारिया है कोई इल्म की बात जो किसी ने किसी को सिखा दी हो, या नेक औलाद जो उसके बाद नेक काम करे। तो खुद जो नहीं सिखा सकते, सारे सब हम टीचर्स तो नहीं है, तो उनका किसी को रागब करना, दावत देना, बुला कर लाना, इनवाइट करना। तो माशाल्लाह आप सब फैमिली वाले लोग हैं, खानदान में बच्चियां होंगी, बहनें होंगी, भाई होंगे, ये तो दोनों के लिए है क्लास, तो उनका इन्वाइट करें, उन्हें कहीं 2 दिन लेकर देखें, अगर आपका दिल लगे तो कंटिन्यू करें। तो इन्वाइट करें, बुलाएं, दायरा कार वसी करें। हो सकता है कोई एक बात कही हुई सुनी हुई कभी किसी के काम आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और बड़ी प्यारी बात, याद ने कही कि अली किसी एक शख्स का आपकी वजह से हिदायत पा जाना आपके लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। सुर्ख ऊंट अरबों की सबसे बड़ी दौलत थी, आज आप कह लें जवाहरात से भी बेहतर। तो अभी फितनों के दौर में हम बैठे हैं, वबाओं का एक के बाद एक वबा जो है वो चली आ रही है, चाहे वो गॉड मेड हो चाहे वो मैन मेड हो, वो सारी बहसों के से अलग एक बेयकीनी है ना। वैसे तो जिंदगी कभी भी यकीनी नहीं रही, लेकिन आजकल एक खास किस्म की बेयकीनी है, हालात की भी, जिंदगी की भी, वक्त की भी। तो फिर इसमें पूरी कोशिश करें कि जो वक्त गुजरे वो खैर के पहले पर गुजरे। क्या पता कौन सा वक्त जाने का, तो जाने से पहले कुछ तैयारी हो जाए। तो इस एतबार से भी बुलाएं, और कामों के लिए बुलाते हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी महफिल में गए, किसी पार्टी को अटेंड किया आपने, वो बहुत अच्छी है और वो पार्टी वीकली होती है या मंथली होती है, तो कैसे आप अपने जाने वालों को कहते हैं कि चलो चलो वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, तुम्हारा डिप्रेशन रिलीज होगा, चलो क्या घर में बैठी रहती हो, खींच खींच कर लेकर जाते हैं। तो उसी तरीके से इसके लिए भी कोशिश करें, कहीं अच्छी सेल लगी हो, अच्छा कोई कह भी रहा हो कि भाई मैंने नहीं जाना, नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा मूड नहीं है, तब भी हम खींच के ले जाते हैं। चलो क्या है, तुमने क्या ड्रामा लगाया है, बर्फबारी देखने, सैर करने, इस तरह के बहुत सारे हम करते हैं काम, और ये बुरे भी नहीं है, अच्छे काम हैं, कोई इसमें हरज नहीं है, जब तक कि कोई बुरा हराम काम ना हो। हराम मतलब कि फिल्म देखने के लिए किसी को इनवाइट करना वगैरह, तो वो तो फिर लीगली हराम हो जाता है ना इस्लाम के कानून के तहत, वरना सैर वगैरह के लिए, किसी चीज के लिए किसी को इन्वाइट करना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जिस तरह तब ख्याल करते हैं उसी तरह इसमें भी एक दूसरे की फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नुम से बचाओ, अहले खाना को भी बचाओ। तो अपने करीबियों को, अपने प्यारों को, देखिए कोई मोटा हो जाए तो कैसे हम एक्सरसाइज के लिए या वॉक के लिए खींच के लेके जाते हैं, चल मेरे साथ, तू बैठ बैठ के मोटी हो गई है, हाल देखे अपना, तो शुगर कैसे तेरी कंट्रोल होनी है, चलो ले जाते हैं वॉक पर, उससे नफा भी होता है, बहुत अच्छी बात है। तो जहन्नुम से बचाने के लिए उतनी जिद्दोजहद तो हमें करनी चाहिए, बनता है। तो एक दूसरे को कहा करें, एक दूसरे को इनवाइट करें, क्या पता कब किसी को आपकी दावत जो है टच कर जाए, वो आ जाए इस तरह। तो अल्लाह करीम हमारे काम को कबूल करे। अभी पिछले दिनों एक बहन ने मुझसे राब्ता किया, माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत दी, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त ने उन्हें इन्वाइट किया इस क्लास के लिए, कि वो डिप्रेशन में थी और उन्होंने अपनी दोस्त से बात की कि मुझे बहुत डिप्रेशन है। तो उनकी फ्रेंड ने कहा कि देखो मैंने क्लास लेनी शुरू की है तो मुझे तो बड़ा नफा हुआ है, तो तुम भी हो। तो कहती है जब से मैंने क्लास लेनी शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिप्रेशन का कोई अटैक नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के कलाम का असर है। हम जिंदगी की हकीकत को समझने लगते हैं, फिर हमें डिप्रेशन नहीं होता। तो इसी तरह एक दूसरे को बुलाते रहे, दिए से दिए जलाते रहे, और जो तजवीदुल कुरान है उसके लिए भी एक दूसरे को इनवाइट करें। तजवीदुल कुरान के लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम अभी इसी कोर्स में एडमिशंस ले रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी सब कुछ रिपीट होगा, अभी बहुत थोड़ा हमने पढ़ा है और कुछ चीजें और हैं। गिनती के 8-9 अहकाम है तजवीद के, कोई ज्यादा नहीं होते, तो वो हम मुकम्मल करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। तो 2 साल में वो 6-7 मरतबा रिवाइज होंगे, बहुत टाइम। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है हमारी, तो आप जिसको भी करवाना चाहें इसमें शरीक, आप उनके लिए नाम वगैरह जो है उनका नाम और नंबर हमें दे दें, हम कर लेंगे। तो एक दूसरे को इनवाइट जरूर करें, बच्चों को भी, बच्चियों को खास तौर पर हिम्मत दिलाएं, बुलाएं, और कोशिश करें कि कोई ऐसा सबब हो जाए कि हमारे मरने के बाद भी हमारा नामा आमाल नेकियां वसूल करता रहे। तो जैसे हम बुढ़ापे के लिए करते हैं ना, सेविंग अकाउंट्स लगाते हैं, तो वो क्या हुकूमत ने बहबूद सर्टिफिकेट्स जो जारी किए हैं, हालांकि बहबूद तो नहीं, नाबूद सर्टिफिकेट ही है क्योंकि सब सिस्टम सूद का है, लेकिन बहबूद सर्टिफिकेट्स दिए ना ओल्ड सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि वो अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करें तो उन्हें बुढ़ापे में उन पर प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो अपने बुढ़ापे के लिए वो जिस तरह इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है करें, हलाल जगहों पर, सूद पर नहीं। अपने हयाते बादल मौत के लिए भी इन्वेस्ट करें। आगे जो वक्त है, जिन आजमाइशों में हमारी अगली नस्लें पढ़ने वाली है, नफ्सा नफ्सी का वो आलम आप देखेंगे कि कोई जिंदों को नहीं पूछेगा, मरने वालों को किसने पूछना। बहुत खुश नसीब वालिदैन होंगे जिनकी औलादें उनके लिए दुआ में हाथ उठाएंगे। आज तो आलम ये है कि अपने लिए दुआ का वक्त नहीं है लोगों के पास। हर कोई दूसरे से कहता है तुम मेरे लिए दुआ कर दो, तुम मेरे लिए दुआ कर दो। और इसका एक बड़ा सबब आपको मैं बताऊं क्या है, सिर्फ खैर और बरकत नहीं है, बड़ा सबब यह है कि खुद दुआ नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ही नहीं पढ़ते, दुआ की आदत ही नहीं पड़ी हुई, तो वो भी दूसरों से कराते हैं, इस्तिखारा भी दूसरों से कराते हैं। अकीदे की खराबी के अलावा बड़ा मसला ये है खुद करना भी नहीं चाहते, टाइम भी नहीं है ना। जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ पाते वो नफल कहाँ से पढ़ेंगे हाजत के, वो कहाँ से नफल पढ़ेंगे इस्तिखारे के। इंतहा ये है कि पैसा देकर घर बुला के बच्चों को कुरान खानी भी करवा लेते, क्योंकि खुद पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं क्या कुरान खानी कराऊं अपने घर? मेरे घर अल्लाह के फजल से सुबह फजर से लेकर रात सोते वक्त तक कुरान चलता रहता, किसी ना किसी फॉर्म में चलता रहता। तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं किसी को बुलाऊं, बिठाऊं मस्जिद से और इकट्ठे करूं। अब जहाँ माएँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सबके अलग अलग टाइम होते हैं। हमारे बचपनों में जाहिर है मेरी वालिदा तो नहीं पढ़ाती थी इस तरह, यानी इस तरह नहीं पढ़ाती थी, लेकिन हमारे घर में बचपन में भी इसी तरह कुरान चलता था। क्यों? सुबह उठते थे, फजर की नमाज पढ़ते थे, फजर की नमाज के बाद हमारी वालिदा, नाना, खाला सब खवातीन नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ती थी। हम उस वक्त में खैर कुरान नहीं पढ़ते थे, उस वक्त में हम लोग तैयार श्यार स्कूल के लिए होते थे, नाश्ता वालिदा करवाती थी, हमें भेज देती थी। फिर हम लोग जब स्कूल से आते थे तो जुहर की नमाज के खाना खाया जाता था, और उसके बाद पापा खिलाते हैं, मामा खिलाती हैं, अपनी वालिदा के पास कुरान मजीद पढ़ते थे, अपना सबक सुनाते थे। हम तीन बहनें थीं, 5 मेरी खाला की बेटियां थीं और 1-2 हमसायों की बच्चियां थीं, तो हम 10-11 हो जाती थी लड़कियां। हम सब कुरान पढ़ती थी, वालिदा को सुनाती थी। उसके बाद हम फारिग होती थी और अपने स्कूल के काम करने लगती थी। बड़ी जो बहनें हैं वो किचन वगैरह का कुछ देखने लगती थी। तो मोहल्ले की कुछ ऐसी खवातीन थी जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो मेरी वालिदा के पास कुरान और नमाज सीखने आ जाती थी। तो शाम मगरिब तक ये सिलसिला चलता था। मगरिब के वक्त फिर खैर से सब जाते थे और मगरिब की नमाज पढ़ी जाती थी, तो भाई मस्जिद चले जाते थे, मस्जिद से कुरान पाक पढ़ के आते थे और वालिद के साथ। और ईशा जो है वो फिर हो जाती थी, तो ईशा पढ़ के, दुआएं पढ़ के ऊंची ऊंची, तो फिर सारे सोने के लिए लेट जाते थे। तब मेरी वालिदा हमें कहानियां सुनाती थी, किस्सा-ए अंबिया की, इस तरह की, सहाबा की, कोई भी कहानियां सुनाती थी। होती वो मजहबी कहानियां ही थी। तो अब जाहिर बात है जब इस तरह सारा दिन चलता रहता था मामला, तो कभी हमें वहां भी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि किसी को बुलाकर पढ़वाया जाए। तो ये जो रिवाज भी पड़ा है ना, ये दरअसल इसी वजह से पड़ा कि मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो घर देखती हूँ, ऐसे घर है अल्लाह रहम फरमाए जहाँ सारा दिन कोई अल्लाह को याद नहीं करता। ये बात ना मुझे शुरू में लगता था कि नहीं हो सकता ऐसा, शायद मैं गलत एस्टिमेट कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने उन घरों को बहुत करीब से देखा। कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई कुरान नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं होता, तो सारा सारा दिन अल्लाह का नाम नहीं पुकारा जाता। फिर वो घरों में एक वहशत आ जाती है ना, एक भारीपन आ जाता है, फिजाएं बोझल हो जाती है, बरकतें खत्म हो जाती है, शयातीन का जोर हो जाता है। फिर कहते हैं किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, अब क्या करो, अब काली साहब को बुलाओ। यानी ये मैं आपको एक पर्सनल जो है एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक खातून बड़ी अच्छी मेरी जानने वाली, और बस इसी तरह मामला उनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि बिल्कुल ही दीन से ताल्लुक कुछ कट गया, कुछ ऐसा मामला रहा या कब से था, बिल्कुल भी दीन को पुकारने वाला कोई नहीं, ना बच्चों के लिए कोई सिस्टम के कार्य है, ना बुजुर्गों का कोई ऐसा निज़ाम, और सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। तो आपको पता है फिर नतीजा क्या, बीमारियां, परेशानियां, दिक्कतें, और सबसे बढ़कर बेसकूनी और खौफ, हम पर किसी ने कुछ कर दिए। तो उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा कि सूरह बकरा पढ़ें घर में, नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी का। तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश करते हैं। खैर वो अल्लाह उनको कामयाब करे, उनकी कोशिश को मुझे नहीं पता कितनी कामयाब हुई, लेकिन उन्होंने कुरान पढ़ने का हल ये निकाला कि एक कारी साहब मुकर्रर कर दिए और उन्होंने महवार तय कर दिया, वो रोज शाम को आते हैं और सूरह बकरा पढ़ के चले जाते हैं। चलिए बस मामला हल हो गया। मामला हल नहीं होगा, शयातीन चले जाएंगे, बेबरकती नहीं जाएगी। सब कुछ जो है हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, शयातीन भी चले जाएंगे, लेकिन बेबरकती और बेकरारी नहीं जाएगी, क्योंकि बेबरकती और बेकरारी का ताल्लुक हमेशा शयातीन से नहीं होता, हमारी अंदरूनी और रूहानी कैफियत के साथ होता है। जिस तरह हमारे जिस्म में तकलीफ होती है तो बेकरारी होती है ना, एक छोटी सी फांस, छिलतर चुभ जाए तो पूरा जिस्म तड़पता है, बेकरार होता है, जब तक वो निकल नहीं जाती करार नहीं आता। इसी तरह जब रूह को छिलतरें चुभती है ना, फांसे होती है रूह के अंदर, तो फिर अंदर से बेकरारी होती है। फिर कहते हैं जी पैसा है, बच्चे हैं, शोहर है, सब कुछ है, करार नहीं है, बस दिल चाहता है रोती रहूं, समझ नहीं आता, डिप्रेशन की दवाइयां भी खा रही हूँ, साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा, अंदर से दिल लहूलुहान है आपका, आपकी रूह लहूलुहान है, वो तड़प रही है, तो आपको सुकून कैसे आएगा? या सकता, या सकता। कुरान से जुड़ना होगा और जोड़ना होगा, और हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में कुरान को शामिल होना है। तो इसके लिए एक दूसरे को दावत दे, एक दूसरे को बुलाएं, और अल्लाह करे क्या हमारे बाद खैर के साथ हमारा नाम चलता है, खैर के मामले में कोई हमारा नाम लेने वाला हो। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आगे आगे वो आजमाइशें आनी हैं हमारे बच्चों पर, वो फितने आने हैं जिनको हमने सोचा भी नहीं है। उन फितनों के अंदर कौन साबित कदम रह सकेगा, कौन नहीं, ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं, हम नहीं जानते। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ बहुत करें कि वो फितनों में साबित कदम रहे, लेकिन रह पाएंगे कि नहीं कि हम नहीं जानते। तो फिर अपनी आकबत संवारने के असबाब करके जाए, किसी को दीन की दावत दे, किसी को दीन की तरफ बुलाएं, कोई ना कोई दीन का काम करें ताकि आप ना रहे मगर अमल चलता रहे। अल्लाह सुबहाना व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बाक़ियात-उस-सालिहात जैसी नेकियां करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 168 से आज हमने पढ़ना है 168। या अय्युहन्नासु, ए इंसानो, कुलू खाओ। या अय्युहा क्या है? हरफे निदा, अय्युहा इटसेल्फ पुकारने के लिए होता है। ओ या अय्युहा में ज्यादा शिद्दत है, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके। अन्नास जमा है अंस की और इंस की, और इससे मुराद है इंसान। नीन नून वाव सीन इसकी रूट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। कुलू खाओ इंपेरेटिव है, ये फेल है। खाओ फेल है, हमजा काफ लाम इसकी रूट है। मिम्मा उसमें से, जो ये ना कंपाउंड है मिन और मा का। मिन और मा जब मिलते हैं तो इदगाम हो गया, तो मिन मा बन गया। यहाँ तजवीद का भी रूल है इदगाम का। मिन से मा जो, मिन मा उसमें से जो, फिल आर्दी जमीन में है, फी हर्फ है, अल अर्द इसम है। फिल आर्दी ने कंपाउंड बनाया, फी हर्फ है ना, और अल अर्द इसम है, होता अर्दू है तो अल अर्दू था, फी ने इसे जेर दे दी क्योंकि हरूफ जो है वो इसम को जर दे देते हैं, जेर दे देते हैं। तो अल अर्दू से जब फिल आया तो फिल अर्दी हो गया। हलालन हलाल है, एक हलाल चीज इसम है ये, आपको पता है हलाल आपका जाना पहचाना लफ्ज है, हे लाम लाम इसकी रूट होती है, इसम है, वाहिद है और नकीरा है। नकीरा और मारिफा होने की अलामत मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर इसम के साथ अल आ जाए तो मुआरिफा हो जाता है, और अगर उस पर तनवीन आ जाए तो नकीरा हो जाता है। ठीक है, और ये इसम की अपनी पहचाने भी है, कुछ और पहचाने भी है इसम की, इंशाल्लाह वो आएंगी तो मैं बताऊंगी। अल आ जाता है तो इसम मुआरिफा होता है, जैसे अल अर्द आपने पीछे पढ़ा, और जब उस पर तनवीन आ जाती है जैसे हलालन पर है तो ये नकीरा की अलामत है। कोई एक हलाल चीज, तय्यबन पाक चीज, ये भी इस्म है और ये भी नकीरा है और वाहिद। या अय्युहन नासु, ए इंसानों, कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से जो, फिल आर्दी जमीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन पाक। इंसानों, जमीन में जो कुछ हलाल और पाक चीजें हैं तुम खाओ, कुछ भी खाओ उनमें से। अच्छा, खाने के लिए दो सिफतें बताई पहले, तो ये देखिए हलाल को तय्यब भी हो, सिर्फ हलाल होना काफी नहीं है, तय्यब होना भी काफी है। तय्यब क्या होता है? उम्दा। हम आमतौर पर तय्यब का माना करते हैं पाकीज़ा, वो भी सही है, पाक होना भी इसका माना है और इसका माना उम्दा होना भी है, अच्छी चीज, गुड, गुड क्वालिटी। तो जो भी चीज तुम खाओ एक तो वो हलाल हो, हराम तो नहीं खाना, वो तो हमें पता है, और हलाल हो, हराम के अलावा अच्छी चीजें खानी है। आज हमारी जिंदगी में दो मसले हैं, एक तो हम हलाल के साथ मशकूक चीजें भी खा रहे हैं, हराम तो खैर चलो नहीं, इतना कोई आम नहीं खाया जाता, मगर मशकूक चीजें खा रहे हैं हम, यानी के जो बाजार से लिया हुआ खाना है, हमें नहीं पता जानवर सही तरह से ज़िब्ह किया गया नहीं किया गया, और फूड जो उनको डाला जाता है, फीड जो डाली जाती है तो वो कौन सी डाली जाती है। आप देखिए ना, होता क्या है कि फैक्ट्रीज के अंदर जब जानवर ज़िबा किए जाते हैं, उनकी जो आंतें निकलती हैं, जो कुछ भी निकलता है, उसी को प्रोसेस करके वो फीड बना देते हैं, और ज़्यादातर फीड आती है चाइना से, इंडिया से। अब मसला ये है कि यहाँ पर तो हलाल और हराम का कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, अब वो तो सूअर के भी पार्ट्स डाल देते हैं, और ये केस भी हुआ था 2010 और 2012 के दरमियान, ये केस हुआ था पाकिस्तान की हाई कोर्ट में, इसका फैसला भी हुआ था। वो अलग बात है कि उस पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। उस वक्त अगर आपको याद हो तो स्वाइन फ्लू फैला था पाकिस्तान में, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं स्प्रेड हो सका था, मगर कुछ लोग उसके मरीज पाए गए थे। तो क्वेश्चन ये हुआ कि इन लोगों को स्वाइन फ्लू हुआ कहाँ से? पाकिस्तान में तो स्वाइन यानी शहरों में, खाने में कहीं भी नहीं, तो इनको स्वाइन फ्लू कैसे हुआ? तो वो फिर जब वो बाल की खाल जरा निकाली गई तो पता ये चला कि चिकन को, मुर्गियों को जो फीड डालते हैं कई फार्म्स, वो बाहर से मंगवाते हैं और वो कोई चेक नहीं करते, जहां से सस्ती मिली ले ली। तो चाइना से, भारत से और अमेरिका से भी जो फीड आती है बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स की, उनमें जो फीड आती है उसमें सूअर के आजा भी डाले गए होते हैं। तो ऐसे ही वो मुर्गियों में ट्रांसफर हुए, मुर्गियों से इंसानों को लगे। तो यहाँ पर फिर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि वो मुर्गी जो सूअर का गोश्त खिलाकर बड़ी की गई है वो तो हराम है, तो ये लोग हमारे लोगों को हराम खिला दें और ये लोग हमारे लोगों को सूअर खिला दें। लिहाजा इस पर एक एनजीओ ने केस दायर किया उलमा के साथ मिलकर अदालत में, और इस पर बाकायदा हेयरिंग हुई, सबूत भी जाहिर थे और सब कुछ। तो फिर अदालत ने ये फैसला दिया कि जो भी फीड बाहर से आएगी चेक की जाएगी कि वो हलाल फीड है या नहीं है।